दोस्तों, क्या आपने कभी गर्म तवे पर बर्फ के साथ दूध डालकर देखा है? अगर नहीं डालकर देखा है तो आज ही इस टिप को करके देखिएगा। तो यहाँ पर इस टिप को करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक लोहे का तवा। तवे को मैंने रखा है गैस पर, और गैस पर ही जब ये तवा गर्म हो जाए तब हम इसमें 3 से 4 आइस क्यूब डाल देंगे। आइस क्यूब डालते ही जो है आइस क्यूब पिघलने लगता है, और इसके बाद से हम डाल देंगे थोड़ा सा दूध। तो मैंने बहुत थोड़ा सा, लगभग 1/2 कप दूध लिया है। दूध को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, तो जितना आपको बनाना होगा उतना ही दूध लीजिएगा। अब इसके बाद से दूध हमारा तवे पर ही हल्का हल्का बॉयल होने लगता है। आइस मैंने इसीलिए डाला था कि जिससे जब हम दूध डालें गर्म तवे पर तो वो बहुत ज़्यादा छनछनाए नहीं। आइस डालने से तवे का टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, जिससे जो है दूध है वो इधर उधर बिखरेगा नहीं। अब इसके बाद से आइस के साथ जब दूध जो है अच्छे से बॉयल होने लगे तो इसको आप लगातार चलाते रहिएगा। अभी मैंने फ्लेम को भी लो मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा सिम नहीं रखा है। दूध को चलाते चलाते आप देखेंगे साइड साइड से दूध जो है चिपकने लगता है। यहाँ पर इस टाइम पर दूध में हम कुछ एक चीज़ें और ऐड करने वाले हैं, लेकिन क्या ऐड करेंगे इसके लिए आपको पूरा वीडियो तो देखना बनता ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गरिमा एंड स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज़ पर। दोस्तों, यहाँ पर दूध के बाद जो दूसरी चीज़ मैंने ऐड की है वो है हल्दी। हल्दी बहुत ही थोड़ी सी ली है, लगभग 1/8 टीस्पून। हल्दी को डालने के बाद इसे फटाफट से चला दीजिए, और हल्दी के डालने के बाद आप देखेंगे हाई फ्लेम पर ही मैं इसको पका रही हूँ, और हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे तो दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। साइड से ये चिपकने भी लगता है, साइड साइड से भी आप इसको छुड़ाते रहें और इसी तरीके से चलाते रहें। अब इसके बाद से आप चाहें तो फ्लेम को कम कर सकते हैं। जब दूध इस तरह से पकने लगे तब हमें फ्लेम को कम करके फिर दूध को 1 से 2 मिनट तक और पका लेना है। आप देख रहे हैं दूध हमारा पक कर हाफ हो चुका है। हाफ क्वांटिटी रहने तक इस दूध को हमें पकाते रहना है। अब इसके बाद से देखिए, दूध को मैंने पूरी तरीके से पका लिया है, गैस को भी बंद कर दिया है। अब इस टाइम पर हम क्या करेंगे, दूध को किसी बोल में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। अभी दूध बहुत थोड़ा सा रह गया, जितना मैंने डाला था उससे बहुत ही कम। तो चलिए इसे मैं किसी बर्तन में शिफ्ट कर देती हूँ। तवे पे नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो दूध जो है वो तवे की वजह से थोड़ा सा काला हो जाएगा। दूध को हल्का सा ठंडा करते हैं, और इस दूध में मैं डालूंगी थोड़ी सी कॉफ़ी। ये नॉर्मल कॉफ़ी है जो हम लोग कॉफ़ी बनाने में यूज़ करते हैं। कॉफ़ी का पाउडर है जो कि लगभग 1/4 टीस्पून है। कॉफ़ी डालने के बाद इस दूध को अच्छे से फेंट लीजिए। अब ये जो है जो मिक्सर है इसमें अभी हम 2 चीज़ें और ऐड करेंगे। पहली चीज़ जो है बेसन, तो 1 टीस्पून के लगभग मैंने लिया है बेसन। तो बेसन को इतना मिलाइएगा कि इसमें गुठली ना पड़ने पाए। बेसन को डालने के बाद आपको हल्की गुठलियाँ दिखेंगी, लगातार चलाते हुए इसको करेंगे तो गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बेसन को मैंने अच्छे से मिलाया है। अब मैंने डाला है थोड़ा सा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अगर फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने एलोवेरा जेल मिलाया है। एलोवेरा जेल मिलाने के बाद इसको रख देते हैं अच्छे से ठंडा होने के लिए। जब हमारा ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब मैं आपको बताती हूँ कि इसका हमें करना क्या है। मिक्सचर बहुत ही बढ़िया तरीके से ठंडा हो चुका है, गाढ़ा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, इसे मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपने हाथों पर, या फिर इसको आप अपने फेस पर भी लगा सकते हैं। जैसा आपको पता है कि सर्दियों के दिन शुरू ही होने वाले हैं, सर्दियों में टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है, ड्राइनेस की समस्या होती है। हमारी स्किन जो है इतनी ज़्यादा ड्राई होने लगती है सर्दियों में कि हमें बार बार मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये जो मिक्सचर है, ये जो सॉल्यूशन मैंने तैयार किया है, इसे आप ड्राई स्किन के साथ, अगर आपके बॉडी पर सनटैन है या फिर आपके चेहरे की चमक ख़त्म हो गई है, क्योंकि कॉफ़ी जो हमने डाली है वो स्किन में ग्लो लाने का काम करता है। बेसन है वो स्क्रब का काम करता है। एलोवेरा है वो ग्लोइंग का काम करता है। इसके अलावा जो दूध हमने लिया है, जिसको पका कर लिया है, ये दूध हमारी बॉडी में नरिशमेंट का काम करेगा, यानी कि मॉइस्चराइजेशन का काम करेगा। अपनी स्किन पर इसको लगाने के बाद हल्के हल्के हाथों से रब करिए। जो मिक्सचर बचा है उसे आप फ्रिज में स्टोर करके 4 से 5 दिनों के लिए रख सकते हैं। अब इस मिक्सचर को लगाते लगाते आप देखेंगे कि एकदम ड्राई होने लगा है। मुश्किल से 3 से 4 मिनट हम इसे रब करेंगे, मिक्सचर हमारा ड्राई हो जाता है। जब ये ड्राई हो जाए तो इसको हाथों से अच्छे से रगड़िए, जिससे अगर कोई हमारे स्किन पर हल्के रोएं वगैरह हैं, यानी कि हल्के हेयर्स हैं, वो भी टूट कर इसी के साथ निकल जाते हैं। हाथ जो है थोड़ा सा आपको अच्छे से रब करना होगा। जब आप इसको अच्छे से रब कर लीजिए, पूरी तरीके से ड्राई हो जाए, तो नॉर्मल ठंडे पानी से आपको अपने हाथों को वॉश कर लेना है। इसे आप अपनी गर्दन पर, फेस पर, हाथों पर, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी के किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ठंडे पानी से जैसे ही हाथों को धुला, हाथों में आ चुकी है बिल्कुल अलग सी चमक। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि हाथ मेरे कितने ज़्यादा वाइटिश दिख रहे हैं, साथ ही इनका ग्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस तरीके से, इस मिक्सचर से आप भी अपने
जो सनटैन वाली बॉडी है, अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा डेड स्किन है, स्किन पे चमक नहीं है, तो हर रोज इसे अप्लाई करके देखिए। नहाने से पहले थोड़ा सा लगाइए और इसका फ़र्क आपको कम से कम एक वीक में ही पता चल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी, जब हम किचन में कभी कोई रेसिपी वगैरह बनाते हैं और आपको उसी टाइम पर कोई कुकरी बुक लेनी होती है। अगर आपने कोई कुकरी बुक नहीं लेनी है किचन में, आप कभी कभी ऐसा होता है कुछ लेडीज़ बुक्स की शौकीन होती हैं, वो काम करते करते बुक्स भी पढ़ना पसंद करती हैं। जैसे मैंने ये कुकिंग बुक ले रखी है जो मेरी खुद की पब्लिश की हुई है, तो ये कुकिंग बुक जब मैं रखती हूँ तो एक छोटे से ट्रिक को फॉलो करती हूँ, लेकिन जब मैं इस कुकिंग बुक को रखती हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सरकती है, कहीं पर भी टिकती नहीं है। तो इस तरह की जब रेसिपी बुक लेकर हम लोग कोई किचन में काम करते हैं तो इसको कैसे हम इस तरह से हैंग करके रखें, कैसे इसको ऐसे एडजस्ट करके रखें जिसे कुकिंग बुक एकदम अच्छे से एक जगह पे लटकी रहे। इसके लिए आप एक हैंगर ले लीजिए, साथ ही ले लीजिए दो क्लॉथ पिन। दोनों क्लॉथ पिन को इस तरह से लगाने के बाद अब बुक के जिस पेज पर आपको टिकना है, रुकना है, वहाँ के दोनों पार्ट पर इस तरह से क्लॉथ पिन को सेट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, आप बहुत ही सिंपल तरीके से देखकर समझ जाएंगे कि बुक को आपको हैंग कैसे करना है। बस इस तरीके से लीजिए और किचन में कहीं ना कहीं कोई ऐसा कैबिनेट होगा जहाँ पर इस तरह के हैंडल्स लगे होते हैं, बस इस हैंडल पे अपने इस कुकिंग बुक को लटका दीजिए। ये आराम से खुला रहेगा और इसको देखकर आप अपना काम भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके बच्चे छोटे हैं जो किचन में ही रहकर आपके साथ पढ़ाई वगैरह का काम करते हैं तो उनके बुक को भी आप इस तरह हैंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, ये है साबुन का क्रश। किसी भी नहाने वाले साबुन को हमें लेना है और इसको बारीक वाले क्रशर से क्रश कर देना है। तो लगभग 2 चम्मच मैंने साबुन का क्रश लिया है। इसके बाद से हमें चाहिए होगा खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। तो 1/2 चम्मच सोडा लेकर साबुन में अच्छे से मिला लीजिए। ये दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद मैं इसका क्या करने वाली हूँ ये भी आगे जरूर देखिएगा। अब इसके बाद से हमारे आपके घर में सबके पास डिस्पोजेबल इस तरह के कप्स होते हैं, छोटे कप्स, कोई भी प्लास्टिक के पेपर कप वाले, या फिर कोई छोटी सी बोल ही क्यों ना हो पुरानी जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते, वो ले लीजिए और इसमें जो है ये साबुन का जो क्रश मिक्सचर है और सोडे का मिक्सचर, इसको डाल दीजिए। अब इसके बाद से मैं इसमें एक और चीज़ डालूंगी जो ये हमारा एक DIY बढ़िया सा बनकर तैयार हो जाएगा घर में ही, बहुत ही बढ़िया, जिसका आप यूज़ कम से कम 10 से 15 दिनों तक कर सकते हैं। अब इसके बाद से मैंने इस कप में जो साबुन का मिक्सचर डाला है, इसमें मैं एक तीसरी चीज़ ऐड करूँगी दोस्तों, वो है एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो हमारे घर में इजीली मिल जाते हैं। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप किसी परफ्यूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एसेंशियल ऑयल है तो आप इसी का इस्तेमाल करिए। जो भी फ्रेग्रेंस आपको पसंद है वो ले लीजिए और एसेंशियल ऑयल की ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 बूंदें इस साबुन में डाल दीजिए। इससे होगा ये कि ये जो हमारा एसेंशियल ऑयल और साबुन का मिक्सचर ये जो DIY बन के तैयार हुआ है, ये हमारे किसी भी एक एरिए को बहुत ही अच्छे से स्मेल देने का काम करेगा। इस कप को बनाकर आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे लेकर जा रही हूँ अपने घर के जो वॉशरूम होते हैं जहाँ की स्मेल की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, चाहे हम उसे कितना भी क्लीन करके क्यों ना रखें, वहाँ रखने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई एक छोटा सा जगह ज़रूर होगा जहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। इसको रखें, ये 15 दिनों तक आपके बाथरूम में बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस देने का काम करेगा, बाथरूम से आते किसी भी तरह की स्मेल को रोकेगा, साथ ही एक तरह से बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही कम खर्चे में बनने वाला ये DIY आपके पूरे वॉशरूम और बाथरूम को बहुत ही अच्छे से खुशबूदार बना के रखेगा। होप करती हूँ आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।